सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर हितेश पॉलस्ट आज आपको बताने वाला हूं सिंकोना कैलिसाया के बारे में। ये भी S10 का ही एक पौधा है और सिंकोना सक्सीरूबा की तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले जुले हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है, इसीलिए S10 एक बहुत बड़ी रेमेडी हो जाती है। और इस पौधे का प्रयोग F1, F2, S10 और P4 के लेवल पर भी यूज होता है। ये पौधा रुबिएसी फैमिली का मेंबर है। ये वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में पाया जाता है और इसका रूट और बार्क का प्रयोग हम मेडिसिन बनाने में करते हैं, जैसे कि सिंकोना सक्सीरूबा में हम प्रयोग करते थे। टेक्निकली हम इस पौधे को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मेडिसिन के हिसाब से अगर देखें तो, किसी व्यक्ति की आंखों में दर्द होता है, एब्डोमन कॉलिक है, उसके कानों में दर्द होता है, ईयर एक, उसमें बजिंग साउंड सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड ईयर में आती है, यदि आपका VDRL पॉजिटिव है, सिफिलिस में काफी अच्छा यूज होता है, और एंटी सिफिलिटिक S10 को जो है ना यूज करते हैं। Ven1A2C5L1GE मैजिक रिजल्ट देते हैं, लेकिन S10 के बगैर हम इनके मैजिक रिजल्ट से वंचित रह जाते हैं। और गैसेस को ठीक करने का काम भी ये करती है। नेचुरल टॉनिक के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। जनरली यदि किसी को हाइपर एसिडिटी हो, गैस की शिकायत हो, तो S10WE का बेहतर प्रयोग है, हमें नहीं भूलना चाहिए इसे। जब गैसेस होते हैं तो वहां डाइजेस्टिव सिस्टम के लेवल पर आप समझ लीजिए जो जूसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूट्रिशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूज आता है, न्यूट्रिशन जब एब्जॉर्ब होता है तो वाटर और न्यूट्रिशन का कंटेंट उसमें होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर अगर हम बात करें तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब होता है। तो S10WE L1 F1 A3 का भी प्रयोग करना हमें स्थिति में चाहिए। हाइपर एसिडिटी के लेवल पर बहुत बढ़िया रिजल्ट, आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों। जब भी स्टमक में एसिड चाइम नीचे की तरफ आएगा उसे बिलियस जूस न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और ऐसी स्थिति में हम A2 200 BE को देते हैं, और उसके अल्टरनेट यदि हम S10WE का प्रयोग करते हैं नेगेटिव में D6 के लेवल पर, 2 से 3 महीने में पेशेंट को बहुत अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। S10 जो है आपके गॉल ब्लैडर में, एब्डोमन कॉलिक में, है ना, ओवेरियन सिस्ट में भी इसका प्रयोग होता है, जबकि ये बात किसी भी बुक में नहीं मिलेगी आपको। F2WE का कंप्रेस भी बहुत बेहतर रहता है। अब देखिएगा, अब बहुत सारी स्थिति में क्या होता है कि पेशेंट के वाइटल फ्लूइड जब लॉस हो जाते हैं, या तो डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा मैस्चुरबेशन की वजह से उसको ये स्थिति आ जाती है, तो इस तरह का जब भी हम करेक्टर देखते हैं उसकी वजह से न्यूट्रिशन में कमी आ जाती है, और न्यूट्रिशन में कमी है क्योंकि वाइटल जो फ्लूइड है हमारे शरीर के उसका लॉस होगा तो होगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से, ATP नहीं बनेगा, तो ATP नहीं मिलेगा तो आपका चेहरा तो मुरझाया हुआ लगेगा दोस्तों। ठंड लगकर यदि आपको फीवर आता है, सिंकोना कैलिसाया इज द बेस्ट मेडिसिन। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ऐसे व्यक्ति को पानी कड़वा लगेगा, सिर में भारीपन की शिकायत होगी दोस्तों। डिजीज यदि जनरल है और लोकल लेवल पर अगर आपको लेकर आना है तो हायर पोटेंसी का उपयोग करें। सिंकोना कैलिसाया में आपको कुछ करेक्टर देखने को मिलते हैं। ये फैब्रिफ्यूगो के जैसा भी काम करती है, एपेटाइजर के रूप में काम करती है, हेयर लॉस में ये अच्छे से काम करती है। किसी भी बुक में ये इंडिकेशन नहीं है कि S10 से हेयर लॉस कवर होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं SYC3S10 थर्ड डाइल्यूशन में यदि आप यूज करते हैं तो आपके हेयर फॉल तुरंत बंद हो जाएंगे। इसे क्विनीन बार्क भी कहते हैं, बिटर बार्क के रूप में भी ये काम आती है। टाइफाइड के फीवर में अगर हम बात करें तो S10C10VER2Y ये बेस्ट मेडिसिन है, इनका काफी अच्छा प्रयोग होता है, और इस पौधे को हम कार्डिक टॉनिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कार्डिक टॉनिक पर के रूप में भी अच्छा काम करता है, एंटीबायोटिक के रूप में, क्रॉनिक डाइसेंट्री के लेवल पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये पौधा बहुत अच्छा काम करता है, तो इसका मतलब S10 म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अच्छा काम करता है।
हार्ट बीट की यदि किसी को प्रॉब्लम है, घबराहट की स्थिति आती है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, S1, L1, F1, A3, WE का D3 में एक मिक्सचर बनाकर D6 में और उसके अंदर S2 की 30 ml के लेवल पर यदि आप 5 ड्रॉप्स का उपयोग कर लेते हैं तो ये घबराहट की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, किसी भी प्रकार के जर्म्स को मारने का काम करता है। और दोस्तों यदि आपने सुना हो कि जापान में एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि कॉलरा की स्थिति आ गई थी, लोगों को डायरिया, दस्त बहुत बुरी तरीके से लगे हुए थे, वहां मेटीजी ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस S10 को प्रयोग किया और वहां हजारों लोगों की जान बचाई उन्होंने और इसीलिए तब से ही इसका नाम जियापून पड़ा। ठीक है जी, इंसेक्टिसाइड्स का भी काम करती है, जब इसको नेगेटिव में दिया जाता है एंटीफंगल के रूप में काम करती है, क्रॉनिक गाउट की स्थिति में, आर्थराइटिस की स्थिति में, स्वेलिंग की स्थिति में, साइनोवियल मेम्ब्रेन की स्वेलिंग की स्थिति में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। हमारा डाइजेशन जब स्लो होता है, ऐसा लगे कि स्टमक डायलेट हो गया है, किसी ने भारी वजन रख दिया हो, हिपिटो स्प्लिनोमेगली पर बहुत अच्छा काम करती है, C5, C10, F1 लीवर पर अच्छा काम करती है, लेकिन S10 का रोल भी अपने आप में एक अहम है। गैसेस यदि किसी को ज्यादा बन रही है एब्डोमन में, फूलने की स्थिति आ रही है, टेंडरनेस है यानी कि फुलनेस उसको महसूस हो रहा है, मलेरिया की स्थिति है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पैरेन्काइमल सेल होती है वहीं पर जाकर मलेरिया का जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करता है, एंटी इंफ्लामेटरी स्किन के लेवल पर या स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर ये बहुत अच्छा काम करती है, किसी भी पैरासाइट को ये लीवर में ढूंढ ढूंढ कर मारती है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रमोट करके एंटी स्पाज्मोडिक के रूप में काम करती है, किसी भी प्रकार के एब्डोमन कॉलिक में नंबर वन मेडिसिन है दोस्तों, नर्व्स को रीजनरेट करके उसे न्यूट्रिशन देने का काम करती है। पोस्ट ऑपरेटिव गैसेस की यदि बात करें, ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के बाद की जब स्थिति आती है और जो गैसेस की स्थिति बनती है तो वहां वर्वन वाई की 1-1 ड्रॉप बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है हमें, कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट रेमेडी के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी को कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक होता है, हैबिट होती है, उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंप्लेंट आती है, बिटरनेस का एहसास होता है, एंग्जाइटी, माइंड में बुरे बुरे विचार आते हैं और ऐसा व्यक्ति एक बार विचार बना लेता है मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो एक अपने दिमाग में एक फिक्स आइडिया बना लेता है दोस्तों, ऐसे पेशेंट हमेशा अनहैप्पी रहेगा, ना खुश रहेगा, चाहे उसको आप कुछ भी दे दीजिए, चाहे आप उसको उसकी मनपसंद चीज दे दीजिए, फिर भी वो कहेगा यार थोड़ी और मिल जाती तो ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं यदि किसी की मनपसंद चीज हलवा है, रबड़ी है ना, यदि उसको वो भी दे दिया जाए तो वो फिर भी कहेगा नहीं नहीं थोड़ा और मिल जाए तो ठीक रहे, मीन्स अनहैप्पी रहेगा, हर चीज से जो है ना असंतुष्टता की स्थिति दिखेगी और इस वजह से उसमें सेंसिटिव टू टच, ईजिली हर्ट, छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना, सैडनेस, उदासी छाना, उसे लगता है कि मैंने अब अपनी जिंदगी बहुत जी ली है, लेकिन वो अंदर से बड़ा डरपोक होता है। इरिटेबिलिटी की जो करेक्टर है, चिड़चिड़ापन का जो करेक्टर है उसमें हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये है सिंकोना कैलिसाया दोस्तों। अभी अगर मैं बात करूं कि सिंकोना जो कैलिसाया है, आप ये भी रूबिएसी फैमिली का मेंबर है, सिंकोना सक्सिरुबा जिसे पेरुविन बाग के नाम से जाना जाता है, तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं इसके करेक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पौधा आ जाने से S10 का करेक्टर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। आप यूज करके देखिए दोस्तों, डेंगू में भी आप S10 L2 को L2 का प्रयोग करके देखिए, आपको बड़े शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के इस एपिसोड में आपके लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।